हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट हिंदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज के प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि हम आपका जो पवन सीरीज है उससे रिलेटेड जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आप बहुत ही अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया, अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं और थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो इससे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टडी पे अपना फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि अवार्चिन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अवार्चिन का होता है प्राचीन तथा उचित का विलोम होता है अनुचित। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का होता है अनल, पावक, आग, ठीक है। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, शोम। गणेश का होता है लंबोदर, विनायक, गणपति। अगला आपका प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही आईएमपी प्रश्न है गाइस, आप अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है, नोट्स बनाकर डेली रिवाइज करते रहिए। सब देवो पद से आप क्या समझते हो? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों को मेल या पद या छंद कहते हैं। हमने ये राजन सीरीज डिस्कस किया था, उसमें भी ये प्रश्न डिस्कस किए थे, आई थिंक आपको याद भी होगा। अंश एवं अंश में अंतर लिखिए। तो अंश एवं अंश में एक अंश का हो जाता है कंघा और एक अंश का हो जाता है भाग। अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अज्ञ का हो जाता है विज्ञ और उन्मुख का हो जाता है विमुख। अगला आपका प्रश्न है कि भृंग और भिटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग और भिटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची जो है, भृंग का होता है मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। भिटप का हो जाता है तरु, पेड़, वृक्ष, पादप। अगला आपका प्रश्न है कि स्रोत लेख का क्या उद्देश्य है? तो स्रोत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही शुलेख या सूत्र लेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। स्रोत लेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। और सूत्र लेखन का उद्देश्य जो हिचकिचाहट दुरुस्त तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। ये जितने भी प्रश्न है हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो और अच्छा है कि रिवाइज होता जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो है वो क हलन प्लस स को मिलाकर आपका छ वर्ण का निर्माण होता है। समानार्थी शब्द का आशय है एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। वेरी आईएमपी प्रश्न है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों के समिष्ट को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस प्रकार निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, कुल 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? अभी ये प्रश्न आया था। ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों अनस्पर्शित होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं
जिसके हवा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, जैसे क ख घ घ ट ठ ढ त थ ध प फ ब तथा भ। ये जितने भी है ये क से लेकर ब तक, यहाँ म भी होना चाहिए, ठीक है। क से लेकर ब तक जितने भी है ये आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। मतलब जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बहुत बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ते हुए चलती है, यथा च छ ज झ। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, यथा ड य ड न म, ये आपका अनुनासिक हो जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो आ ई ऊ को री को दीर्घ स्वर कहते हैं। लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है और दो तीन बार खुलता है, यथा र। जो र है आपका लुंठित वर्ण है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इनके बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, यथा य व। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ ई उ। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उसमें व्यंजनों की संख्या चार होती है, ठीक है। आपका स स स और ह, ये मतलब तीनों स और ह, ये उसमें व्यंजन होते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। भाव तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है? तो भाव और विचारों का माध्यम भाषा होता है। अगला आपका प्रश्न है कि मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का मौखिक माध्यम होता है या मौखिक भाषा होता है। पढ़कर एवं लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो लिखित भाषा के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे हैं, वे है प्रशिष्ट। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा की चार दक्षताएं बताइए। तो भाषा की चार दक्षताएं हैं पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के लिखित व मौखिक दो रूप हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें को भाषा कहते हैं। लिपि क्या है? तो यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप से अस्थायित्व प्रदान कर लिपि कहलाती है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। अगला आपका प्रश्न है कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जल को नीर, वारी, पानी आदि के नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले को शब्द को विलोम कहते हैं। अवार्चित और उचित शब्द का विलोम अभी ऊपर हमने सबसे पहले डिस्कस किया, अवार्चित का नवीन, उचित का अनुचित। यश तथा भास्कर को पर्यायवाची बताइए। तो कृति सूरज पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। भाषा का सूरज हो जाएगा और यश का कृति हो जाएगा। तुकान शब्द क्या है? तुकान शब्द में उच्च उच्चारण की दृष्टि से भी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, था रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, झंडा, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, ठीक है। तो मतलब एक ही जैसे, मतलब तुकार शब्द में उच्चारण की दृष्टि से एक ही जैसे लग रहा है, उसे हम दुकान शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, ठीक है। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने के लिए करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि जो बिना वेतन काम करे वो अवैतनिक, जिसके कोई उपमा न हो अनुपम। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के शब्दों को समान उच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अंश का और अंश दोनों शब्द का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ होता है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा।
हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी के अंतर्गत 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम मतलब जो ऐसा चिन्ह होता है इसे हम अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राम को जगाओ बस सोने दो, राम को जगाओ बस सोने दो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ये लगा है, ठीक है। इनका अर्थ भी बदल जाता है, राम को जगाओ मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो। अब यहाँ आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ कह रहा है कि मत सोने दो और यहाँ कह रहा है सोने दो। सिर्फ आपके अल्प विराम लगाने से ये वाक्य चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको अल्प विराम का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए। राम को जगाओ मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो। विषम यदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विषम यदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसा ऐसे होता है इसे हम विषमवादी कहते हैं। लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार होते हैं, शुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। लेखन शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है लेखन कहलाता है। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो जैक कॉटर विधि, मंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हो। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। पहला, अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। दूसरा, व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो पहला तो शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर आप शिक्षक हो तो आप में ये सभी होना चाहिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम है वर्णमाला। स स ह किस प्रकार का व्यंजन है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती है, वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसे उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से है? तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति है। अनभिज्ञ मुक्त क्रमशः विलोम शब्द है। अनभिज्ञ हो जाता है सुविज्ञ, मुक्त का हो जाता है बंदर। क्षोत्रज्ञ किस प्रकार के हैं? तो संयुक्त व्यंजन। ओ औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो कंठ और होष्ठ। यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यदस्थ व्यंजन है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उच्चार में वाय नाक से निकलती है, उच्चार के झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा हो गया, कंचन हो गया, जगल जैसे कि एक बिंदी लग जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा जो मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि का चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उसमें व्यंजनों की संख्या बताइए। तो उसमें व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे स स ह। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, तो एक मात्रा समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, अ ई उ री। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो उपेक्षा का होता है अवहेलना, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, ठीक है, इसका अर्थ होता है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके नीचे रेखाएं होती है उसे वाक्यांश में रेखांकित वाक्य कहते हैं। जैसे कि मान लो इसे हमने ये लगा दी, एक मिनट, लगाई, ठीक है, तो इसे हम रेखांकित वाक्य कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, आकाश शब्द के 4 परिभाषित शब्द लिखिए। तो आकाश का जो 4 हो जाता है, गगन, नभ, आसमान, अंबर। औ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो औ और औ दोनों स्वर वर्ण है। उसमें व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो उसमें व्यंजन स स ह। संधि और संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। 2019 का पूछा हो, संधि का विच्छेद हो जाता है, संयोग का वियोग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न डिस्कस करेंगे और आपके पवन सीरीज में इतने ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो आपको कोई भी सीरीज खरीदने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी से तैयारी करना है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल अगर आपके फ्रेंड्स मित्र UPTLL के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप उनको वीडियो जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।